श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड अध्याय 64। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गृद्धराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वो समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यथा जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी वहां वो क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था और दूसरे स्थलों में जहां उत्ताल तरंगें उठती थी वहां पर्वत के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वो सारा समुद्र पाताल निवासी दानवराजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लिंग समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरो तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है उसके तेज का नाश होता है, उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। वालिपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रुवीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रुद्मन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञा बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल होकर श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांग जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वो सारी वानर सेना वहां जडवत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंकरहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वो उसे बतावे।